उत्तराखंड में होटल बनाकर रिजॉर्ट बनाकर इस तरीके से गलत कार्य लड़कियों से करवाए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों से पर्यटक आते हैं और उनकी डिमांड पर लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण अंकिता हत्याकांड है। अंकिता को भी मजबूर किया जा रहा था कि वो इस तरीके से गंदा कार्य करे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। वहीं अब इस पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद रिजॉर्टों में गलत तरीके से काम होने को लेकर उत्तराखंड में जितने भी अवैध रिजॉर्ट बने हैं उन सब पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा, राज्य में जितने अवैध रिजॉर्ट बने उन सभी पर जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। अंकिता बेटी का शव मिल गया है, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हमने SIT का गठन किया है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने DIG पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भाजपा ने तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नामित उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।